दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 बेस्ट स्मार्टफोन्स अंडर 10,000। दोस्तों अगर आपका बजट 10,000 रुपये के प्राइस पॉइंट में है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए दोस्तों हम बिना कोई देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों हम जिस स्मार्टफोन के बारे में बात करेंगे इसमें आपको बड़ी डिस्प्ले, फुल HD वाली डिस्प्ले देखने को मिलेगी, बड़ी बैटरी, क्वाड कैमरा सेटअप, फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर और दोस्तों प्रोटेक्शन के लिए गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगा। साथ ही दोस्तों गेमिंग चिपसेट देखने को मिलेगा, काफ़ी पावरफुल चिपसेट दोस्तों इस प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग। और दोस्तों इस प्राइस के अकॉर्डिंग आपको काफ़ी ज़्यादा रैम और स्टोरेज इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम बात करेंगे सीधे पोको M2 के बारे में। इसमें दोस्तों आपको 6.53 इंच का एक फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। साथ ही दोस्तों आपको गोरिल्ला ग्लास वर्जन 3 का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है। बैक साइड में क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा जिसमें आपको 13 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल प्लस 5 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस प्लस 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। फ्रंट और सेल्फी कैमरे की बात करें तो 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, 5000 mAh की बिग बैटरी, 10 वाट का फास्ट चार्जर इस स्मार्टफोन में देखने को मिल जाता है। इसमें प्रोसेसर की बात करें तो आपको MediaTek Helio G80 का एक गेमिंग चिपसेट देखने को मिलेगा जो कि 2 GHz की क्लॉक स्पीड पर रन करता है। और दोस्तों इसमें आपको Android 10 वर्जन देखने को मिलेगा। इसमें दोस्तों आपको 3 वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं जिसमें आपको 4GB रैम, 64GB इंटरनल स्टोरेज, अलग से 512GB एक्सपेंड कर पाएंगे। और जो दोस्तों दूसरा वेरिएंट है इसमें आपको 6GB रैम, 64GB इंटरनल स्टोरेज और जो तीसरा वेरिएंट है 6GB रैम प्लस 128GB इंटरनल स्टोरेज। तो दोस्तों सबसे पहले इस स्मार्टफोन की बात करें तो इसमें आपको फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिल रही है 6.5 इंच की जो कि काफ़ी बड़ा प्लस पॉइंट है। साथ ही दोस्तों क्वाड कैमरा सेटअप जिसमें आप अल्ट्रा वाइड एंगल भी ले पाएंगे, ये भी दोस्तों काफ़ी कमाल की बात है। और दोस्तों आपको 10 वाट का फास्ट चार्जर जो कि 5000 बैटरी को जल्दी से चार्ज कर देगा। मेन दोस्तों प्रोसेसर की बात करें तो Helio G80 गेमिंग प्रोसेसर है। इसमें आप दोस्तों डेली टास्किंग, मल्टी टास्किंग और दोस्तों काफ़ी बढ़िया तरीके से गेमिंग कर पाएंगे। पबजी, फ्री फायर और दोस्तों कॉल ऑफ ड्यूटी जैसे गेमिंग को आप मीडियम सेटिंग्स में आसानी से इस स्मार्टफोन में खेल पाएंगे। और दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको ज़्यादा फ्रेम ड्रॉप भी देखने को ना मिलेंगे। तो दोस्तों मेन प्राइस की बात करें इस स्मार्टफोन की तो 4GB रैम 64GB वाला वेरिएंट आपको 9,499 रुपये में देखने को मिलेगा, 6GB रैम 64GB वाला वेरिएंट 10,500 रुपये के प्राइस में देखने को मिलेगा। और जो तीसरा वेरिएंट है 6GB रैम 128GB वाला, ये दोस्तों आपको 11,500 की प्राइस में देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों काफ़ी बढ़िया स्मार्टफोन। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट स्मार्टफोन के बारे में बात करते हैं। फ्रेंड्स वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि दोस्तों अभी तक आपने अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और दोस्तों बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट स्मार्टफोन के बारे में बात करते हैं। दोस्तों हम जिस स्मार्टफोन के बारे में बात करने वाले हैं ये अभी हाल ही फिलहाल में इंडिया में लॉन्च हुआ है फ्रेंड। और दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको हाईएस्ट रेफ्रिजरेट सपोर्ट देखने को मिलेगा। इसके साथ ही दोस्तों आपको काफ़ी बड़ी डिस्प्ले इस स्मार्टफोन में देखने को मिल जाती है। इसमें फ्रेंड आपको कैमरा में बहुत ही कमाल के फीचर्स देखने को मिलेंगे। साथ ही दोस्तों इसका कैमरा भी काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाता है, इसकी बैटरी काफ़ी बड़ी देखने को मिलेगी फ्रेंड। और अगर आप गेमर है फ्रेंड तो इस प्राइस सेगमेंट में ये स्मार्टफोन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन बन जाता है फ्रेंड। ये स्मार्टफोन निकल गया था इन्फिनिक्स की तरफ से, इन्फिनिक्स हॉट 10S फ्रेंड। इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपको 6.82 इंच का HD प्लस LCD IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाता है जो कि इन सेल डिस्प्ले। इसमें फ्रेंड आपको 90Hz का हाईएस्ट रेफ्रिजरेट सपोर्ट एंड इंस्टेंट फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। इसके कैमरे की बात करें फ्रेंड तो यहाँ पर आपको ट्रिपल सेटअप AI कैमरा देखने को मिल जाता है जो कि 48 मेगापिक्सल का प्लस 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और प्लस AI कैमरा। फ्रेंड इसके फ्रंट कैमरे की बात करें तो यहाँ पर आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। इसमें आपको 6000 mAh की बिग बैटरी देखने को मिल जाती है। और इसमें परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पर आपको MediaTek Helio G85 का पावरफुल चिपसेट देखने को मिल जाता है फ्रेंड। ये स्मार्टफोन लेटेस्ट एंड्रॉयड वर्जन के साथ आता है। और फ्रेंड इस स्मार्टफोन के आपको 2 वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं जो कि 4GB रैम, 64GB इंटरनल स्टोरेज, अलग से आप 256GB एक्सपेंड कर पाएंगे। और जो दूसरा वेरिएंट है 6GB रैम, 64GB इंटरनल स्टोरेज। तो आवारा इस स्मार्टफोन की बात करें फ्रेंड तो लगभग आपको 7 इंच के करीब इसकी डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। साथ ही दोस्तों आपको 90Hz का हाईएस्ट रेफ्रिजरेट सपोर्ट देखने को मिल जाता है जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा स्मूथ एक्सपीरियंस देगा इस बजट में फ्रेंड। यहाँ पर आपको कैमरा क्वालिटी काफ़ी बेस्ट देखने को मिल जाती है। ये जो कैमरा फ्रेंड क्वाड LED फ्लैश के साथ आता है, साथ ही फ्रेंड 8 मेगापिक्सल का कैमरा है, इसमें भी आपको डुअल LED फ्लैश देखने को मिल जाता है। और फ्रेंड इस स्मार्टफोन में जो 8 मेगापिक्सल का AI कैमरा दिया हुआ है इसमें आपको सुपर नाइट मोड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और दोस्तों बहुत सारे ऑप्शन इस स्मार्टफोन के कैमरा में देखने को मिल जाते हैं फ्रेंड्स। की बैटरी की बात करें तो इसमें आपको काफ़ी बढ़िया बैकअप देखने को मिल जाता है। और दोस्तों MediaTek Helio G85 एक कमाल का गेमिंग प्रोसेसर है फ्रेंड इस बजट में। अगर दोस्तों आप गेमिंग करना चाहते हो दोस्तों तो आपके लिए ये स्मार्टफोन काफ़ी बेस्ट रहेगा फ्रेंड। इस स्मार्टफोन में आपको एंड्रॉइड 11 का वर्जन देखने को मिल जाता है। और इस स्मार्टफोन की मैंने प्राइस की बात करें तो 4GB रैम, 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ इस स्मार्टफोन को आप 10,000 रुपये के प्राइस सेगमेंट में बाई कर सकते हैं। और फ्रेंड जो दूसरा वेरिएंट है 6GB रैम, 64GB इंटरनल स्टोरेज, इसे आप 11,000 रुपये की प्राइस में बाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड इन्फिनिक्स की तरफ से काफ़ी बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन है।
अगर फ्रेंड आपको चाहिए गेमिंग स्मार्टफोन के साथ स्मूथ एक्सपीरियंस, तो दोस्तों ये स्मार्टफोन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और दोस्तों यहाँ पर आपको बैटरी बैकअप भी अच्छा मिल जाता है और कैमरा भी अच्छा, तो दोस्तों इसमें बजट के अनुसार सारे स्पेसिफिकेशन आपको देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो पर एक लाइक जरूर करें, ताकि दोस्तों आपके लिए फ्यूचर में और भी मैं बेहतर से बेहतर कंटेंट ला सकूं। अब दोस्तों हम जिस स्मार्टफोन के बारे में बात करने वाले हैं, दोस्तों ये स्मार्टफोन गेमिंग स्मार्टफोन इस प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग, दोस्तों अगर आप गेमिंग वाइज से स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो दोस्तों ये स्मार्टफोन आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो दोस्तों ये रियलमी की तरफ से निकल के आता है दोस्तों, रियलमी नार्जो 20। तो इसके हम मेन स्पेक्स जान लेते हैं। इसमें आपको 6.52 इंच का एक HD+ LCD पैनल देखने को मिल जाता है। इसके साथ ही बैक साइड में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है और दोस्तों ट्रिपल सेटअप कैमरा देखने को मिल जाता है, जिसमें प्राइमरी कैमरा है 48 मेगापिक्सल का, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल प्लस 2 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस। दोस्तों फ्रंट कैमरे की बात करें तो 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है और 6000 mAh की लंबा बैकअप देने वाली बैटरी इस स्मार्टफोन में देखने को मिलती है। इसको चार्ज करने के लिए 18 वाट का फास्ट चार्जिंग इनबॉक्स आपको दिया जाएगा। और दोस्तों साथ ही इसके प्रोसेसर की बात कर लेते हैं, तो इसमें आपको मीडियाटेक हीलियो का G85 चिपसेट देखने को मिल जाता है, जो कि गेमिंग चिपसेट है और काफ़ी पावरफुल चिपसेट है। दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको दो वेरिएंट देखने को मिल जाएंगे, जो कि 4GB रैम, 64GB इंटरनल स्टोरेज, साथ ही दोस्तों 256GB अलग से आप एक्सपेंड कर पाएंगे। और जो दूसरा वेरिएंट है 4GB रैम, 128GB इंटरनल स्टोरेज। तो ओवरऑल इस स्मार्टफोन की बात करें फ्रेंड, तो 6.5 इंच के एक HD+ LCD पैनल देखने को मिल जा रहा है, काफ़ी बढ़िया कैमरा क्वालिटी देखने को मिलेगी, जिसमें आपको 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी शूटर है, काफ़ी बड़ा कैमरा भी है। दोस्तों इसमें आपको 6000 mAh की एक लंबा बैकअप देने वाली बैटरी है और 18 वाट का जो फास्ट चार्जर है दोस्तों, ये 131 मिनट में आपकी बैटरी को चार्ज कर देगा। तो दोस्तों मेन प्रोसेसर की बात करें तो इसमें आपको जो मीडियाटेक हीलियो G85 पे एक गेमिंग चिपसेट है, इसमें आप PUBG, फ्री फायर, कॉल ऑफ ड्यूटी जैसे गेम को आसानी से खेल पाएंगे और आप इससे बेस्ट एक्सपीरियंस ले सकते हैं। आपको कुछ भी फ्रेम ड्रॉप देखने को नहीं मिलेगा और लेग इशू भी नहीं देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये काफ़ी बेस्ट स्मार्टफोन है, रियलमी नार्जो 20 है। तो दोस्तों रियलमी की तरफ से काफ़ी बेस्ट स्मार्टफोन है। इसकी मेन प्राइस की बात कर देते हैं फ्रेंड, तो ये 4GB रैम, 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है 9999 रुपये में, और 4GB रैम, 128GB वाला स्टोरेज वाला स्मार्टफोन आता है 10199 रुपये में। नेक्स्ट स्मार्टफोन के बारे में बात करने से पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि जो भी स्मार्टफोन के बारे में हम बात कर रहे हैं, सभी का लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, इसलिए फ्रेंड्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट जरूर कर दीजिएगा। अब फ्रेंड जिस स्मार्टफोन के बारे में हम बात करने वाले हैं, ये भी एक लेटेस्ट स्मार्टफोन है फ्रेंड, और इस बजट के अनुसार दोस्तों काफ़ी पावरफुल गेमिंग चिपसेट इस स्मार्टफोन में देखने को मिल जाता है। साथ ही दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको हाईएस्ट रेफ्रिजरेटर सपोर्ट, बिग डिस्प्ले और फ्रेंड आपको AI कैमरा देखने को मिल जाता है, एक बड़ा कैमरा देखने को मिलेगा इस स्मार्टफोन में। साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको रैम और स्टोरेज के भी ऑप्शन काफ़ी बेस्ट देखने को मिल जाते हैं, बैटरी वगैरह भी इस स्मार्टफोन की काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। फ्रेंड ये स्मार्टफोन निकल के आता है टेक्नो की तरफ से, टेक्नो स्पार्क 7 प्रो। दोस्तों ये स्मार्टफोन भी अभी हाल ही फिलहाल में इंडिया में लॉन्च हुआ है, लेटेस्ट स्मार्टफोन है फ्रेंड। इस स्मार्टफोन की मैंने स्पेसिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर आपको 6.6 इंच का HD+ LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको 90Hz का हाईएस्ट रेफ्रिजरेटर सपोर्ट देखने को मिल जाता है। यहाँ पर फ्रेंड आपको ट्रिपल सेटअप AI कैमरा देखने को मिल जाता है, जिसमें 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा प्लस 2 मेगापिक्सल का पोर्ट्रेट कैमरा और प्लस AI लेंस। इसके फ्रंट कैमरे की बात करें तो यहाँ पर आपको 8 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाता है, 5000 mAh की बैटरी, और इसके मेन प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पर आपको मीडियाटेक हीलियो G80 का एक गेमिंग चिपसेट देखने को मिल जाता है। फ्रेंड इस स्मार्टफोन के आपको दो वेरिएंट देखने को मिल जाता है, जो कि है 4GB रैम, 64GB इंटरनल स्टोरेज, अलग से आप 256GB एक्सपेंड कर पाएंगे। दूसरा वेरिएंट है 6GB रैम, 64GB इंटरनल स्टोरेज। तो ओवरऑल इस स्मार्टफोन की बात करें फ्रेंड, तो यहाँ पर आपको काफ़ी बढ़िया डिस्प्ले देखने को मिलेगी, साथ ही दोस्तों यहाँ पर भी आपको 90Hz का हाईएस्ट रेफ्रिजरेटर सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जिससे आपकी डिस्प्ले काफ़ी स्मूथ एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा डिस्प्ले में। और दोस्तों यहाँ पर कैमरे की बात करें तो यहाँ पर आपको एक AI कैमरा देखने को मिल रहा है, जिसमें दोस्तों पिक्चर क्वालिटी काफ़ी कमाल की देखने को मिलेगी। और दोस्तों आप इस कैमरे से 120fps से लेकर 240fps तक का स्लो मोशन रिकॉर्ड इस स्मार्टफोन से आप कर पाएंगे। फ्रेंड यहाँ पर आपको बैटरी बैकअप भी अच्छा खासा देखने को मिलेगा। ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 11 वर्जन के साथ आता है और यहाँ पर आपको काफ़ी बढ़िया गेमिंग परफॉर्मेंस देखने को मिलने वाली है फ्रेंड। और फ्रेंड इस स्मार्टफोन की मेन प्राइस की बात करें तो 4GB रैम, 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आप इस स्मार्टफोन को 10000 रुपये की प्राइस में ले सकते हैं। 6GB रैम, 64GB वाला वेरिएंट आप 11000 रुपये की प्राइस पॉइंट में देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड आप अगर बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो दोस्तों इस स्मार्टफोन को कंसिडर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट स्मार्टफोन के बारे में बात करते हैं। दोस्तों ये स्मार्टफोन निकल गया था रेडमी की तरफ से, रेडमी नोट 9। इसमें फ्रेंड आपको 6.53 इंच का एक फुल HD+ IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, साथ ही कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन। बैक साइड में आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जिसमें रियर कैमरा है 48 मेगापिक्सल का, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल प्लस 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और प्लस 2 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस देखने को मिल जाता है। फ्रंट कैमरे की बात करें तो 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। इसकी बैटरी की बात करें फिर तो 5020 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, जिसको चार्ज करने के लिए 22.5 वाट का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है।
इसकी मैंने प्रोसेसर की बात करें फ्रेंड तो इसमें आपको मीडियाटेक हीलियो G85 का गेमिंग चिपसेट देखने को मिल जाता है जो 12 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। और साथ ही दोस्तों इसमें आपको एंड्रॉयड 10 का वर्जन देखने को मिल जाता है और इसमें आपको MIUI 11 देखने को मिलता है। इसके वेरिएंट की बात कर फ्रेंड तो इसमें आपको दो वेरिएंट देखने को मिल जाता है जिसमें है 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज, अलग से आप 512GB एक्सपेंड कर पाएंगे। और जो दूसरा वेरिएंट इसमें आपको 4GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज। तो ओवरऑल इस स्मार्टफोन की बात करें तो 6.5 इंच के डिस्प्ले के साथ फुल HD रेजोल्यूशन देखने को मिल जाता है, साथ ही कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन जो कि एक बेस्ट ऑप्शन बन जाता है मोबाइल के प्रोटेक्शन के लिए। और दोस्तों आपको इसमें बेस्ट कैमरा देखने को मिल जाता है और अच्छी खासी बैटरी देखने को मिल रही है। और जो मीडियाटेक हीलियो G85 पे ये गेमिंग प्रोसेसर है, इसमें आप अच्छी खासी गेमिंग कर पाएंगे दोस्तों नॉर्मल सेटिंग्स में, और मीडियम सेटिंग्स में भी अच्छी तरीके से इसमें गेमिंग कर पाएंगे। तो दोस्तों इसकी मैंने प्राइस की बात करें तो 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ इसे आप 10,999 रुपये में बाय कर सकते हैं। और जो दूसरा वेरिएंट है 4GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज, इसे आप 12,999 रुपये में चेकआउट कर सकते हैं। तो ये थे दोस्तों आपकी प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग स्मार्टफोन्स। अभी भी दोस्तों आपको स्मार्टफोन्स कल देकर कुछ कन्फ्यूजन है दोस्तों तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों अगर आपका कोई भी सजेशन हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड धन्यवाद।